हंसी का गुजर के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा का संदेश दिया। हंसी का गुजर का कहना है कि महापुरुषों के बलिदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। आज भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हंसिका गुजर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल बाइक तिरंगा यात्रा कस्बा नगर के श्री राम मंदिर से शुरू कर गांव फतेह कला, मुंडौती, बाजाहेड़ा, बरखेड़ा, खकावली, मोरा का, मानोता, जालुकी, सैमली, पाटुका से गोविंदगढ़ होते हुए कस्बा सीकरी से गांव जयसिरी, बेरू, आलमशाह, बाग का, पडलबास, आरसी, कुतकपुर, चिरावल माली, सिरथला, सिरथली, बावली, पेंडका से कस्बा नगर के श्री राम मंदिर समापन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 3 दिन तक प्रत्येक व्यक्ति घरों पर तिरंगा फहराए, इससे देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। हंसिका गुजर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर के लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, इसी के आधार पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमें महापुरुषों के बलिदान को कभी नहीं भुलाना चाहिए तथा अपने स्तर से भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी भी महापुरुष के बलिदान के बारे में जान सके। तिरंगा यात्रा निकालकर देश के शहीद हुए वीर योद्धाओं को याद किया जाए। गांव बाजाहेड़ा में शहीद रंजीत सिंह और कस्बा सीकरी में शहीद पवन दैया को माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान सभी लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता के नारों के साथ पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल थे। इस मौके पर ललित पारासर, राम गोपाल भाऊ, गिरधरी खंडेलवाल, भगवान सिंह, दुर्गेश बाजाहेड़ा, राजवीर सुंदरावली, श्रीकांत शर्मा, रामवीर खकावली, राजेंद्र बूचा का, गौरव मानवता, उमेश आनंद, हन्नी मुखीजा, राजू आदि मौजूद रहे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।